At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. ऑल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पहली खबर महोबा से, जहां जिला अस्पताल में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके पर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन एसपी पलाश बंसल ने फीता काटकर सबसे पहले रक्तदान कर किया। एसपी ने पुलिसकर्मियों और जनपद वासियों से भी रक्तदान करने की अपील की। इस मौके पर सभी ने रक्तदान करने की शपथ भी ली। आज स्वैच्छिक रक्तदान दिवस शिविर है, उसमें अपने है। तो इसमें अभी एसपी साहब पलाश बंसल जी ने पहले नंबर पर ब्लड दिया है, उससे पहले भी 10 बार ब्लड दे चुके हैं, आज उन्होंने 11वीं बार ब्लड दिया है। महोबा में निकाह पढ़कर लौट रहे काजी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके 2 अन्य हाफिज साथी घायल हो गए। तीनों लोग डिजायर में सवार थे, तभी तेज रफ्तार एक बुलेरो कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि घायलों को अस्पताल से रेफर किया गया। इस हादसे में मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना दावत में आए हुए थे और दावत से कब्रे ही वापस जा रहे थे, महोबा दावत में आए थे शादी में निकाह बहाने, वहां से वापस आ रहे थे कब्रे ही। रास्ते में आ गया ढाबा के सामने, एक बोतल पानी लेने के बाद में जैसे अपनी गाड़ी स्टार्ट करके सेफ्ट डिजायर और रोड में चढ़े हैं, वहाँ से जो है एक बोलेरो वाला आया है कब्रे की तरफ से, बड़ी स्पीड से दारू पी रहा हो या नींद आ गई हो, उन्हें सीधा सीधा टक्कर मारी है, जिससे हाफिज जी की मौत हो गई है और मौलाना इलियास साहब घायल हैं और एक यूनुस साहब वो भी घायल हैं, जो गए हुए हैं कानपुर रेफर कर दिए गए हैं, उनका इलाज वहाँ चल रहा है। इनकी मौत हो जाने पर महोबा जिला में जिला अस्पताल में नर्सरी में लाश रखा दी गई है। अब पोस्टमार्टम के लिए जो है उसमें 3 लोग सवार थे। फतेहपुर जिले के मलवा कस्बे में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के प्रिंसिपल राणा संग्राम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जनपद में पिछले 7 सालों से शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद से स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्कूल का प्रबंधन तंत्र खुशियां मनाते हुए कह रहा है कि हम विद्यालय में गार्जियन और बच्चों के साथ साथ टीचर्स के बीच आपस में समन्वय स्थापित कर बच्चों को शिक्षित करते हुए देश का भविष्य बना रहे हैं। वहीं प्रिंसिपल राणा संग्राम सिंह ने बताया कि आज के समय में हो रही घटनाओं को लेकर वो बच्चों को शिकायत को गंभीरता से लेकर घटना होने से पहले रोक देते हैं। फरुखाबाद तहसील सदर में लेखपालों ने वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया। जिलाध्यक्ष अजीत दुबे के नेतृत्व में आयोजित इस धरने का कारण थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम उखरा में 2 लेखपालों के साथ ही मारपीट है। धरने को संबोधित करते हुए दुबे ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर पुलिस और प्रशासन सम्मानजनक कार्रवाई करते हैं तो वो धरना खत्म कर देंगे। ये घटना फरुखाबाद तहसील सदर परिसर से जुड़ी है। धरना दिया है, किसको लेके क्या मांगे हैं? कल तहसील सदर का राजस्व ग्राम उखरा, वहाँ पर लेखपालों के साथ घटना हुई थी, जानलेवा हमला किया गया था अभी बनाते शाम को थाना नवाबगंज में जो है FIR दर्ज कराई गई। FIR दर्ज कराने के बाद जो है हम लोगों ने उसी समय कह दिया था कि जब तक वंचित अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती तो धरना अनवरत रूप से चलता रहेगा। अभी जैसा अपुष्ट खबरें हैं, अपुष्ट रूप से बताया जा रहा है कि कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके संबंध में हमने अपना एक लेखपाल का प्रतिनिधि मंडल तहसील अध्यक्ष श्री महसूर सिंह की अध्यक्षता में और हमारे ऑडिटर जिला ऑडिटर विवेक पांडे जी के नेतृत्व में हमने भेजा है नवाबगंज थाने में। वहाँ पर पहुँच गए हैं, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। अगर वो आके जैसी भी सूचना यहाँ पर देते हैं, यदि सम्मानजनक रूप से कोई कार्रवाई हुई होगी तो ये धरना समाप्त होगा, अन्यथा की दशा में ये धरना अनवरत रूप से ऐसे ही चलेगा। शाजापुर जिले के ग्राम पंचायत कदरातपुर उर्फ लिथरा के मजरा यादव गोटिया में मंगलवार सुबह ग्रामीण का शव
उसके घर के बाहर मिला। उसको संदिग्ध परिस्थिति में मौत का घाट उतार दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई देशराज ने पुलिस को तहरीर देकर रुपए के लेन देन के विवाद में दोनों लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। आपको बता दें कि मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। थाना कांट क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी पुरिया कला में ग्राम नीलथरा यादव गुटिया में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई, एक मोटवाल नामक व्यक्ति इसी उम्र लगभग 45 वर्ष की गला काट कर हत्या कर दी गई है। जानकारी पर मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल भाषण देते हैं जबकि वास्तविकता में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और जिला प्रशासन देश को तबाह करने में लगे हैं। छात्रा की मौत पर कैंडल मार्च निकालने वालों पर खागा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज अपमानित करने का भी उन्होंने विरोध किया। मौर्य ने कहा कि लखनऊ में डिलीवरी बॉय की हत्या अन्य घटनाएं दर्शाती हैं कि दलित पिछड़ा मुसलमान समाज शिकार हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वो केवल तमाशा देख रहे हैं, अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। हरदोई में बीजेपी के पूर्व पालिका अध्यक्ष के भाई ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई होती दिख रही है। पीड़ित विजयकांत वाजपेयी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। घटना सांडी कस्बे के नवाबगंज पानी वाली टंकी के पास की है। मामले को अब चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विजयकांत वाजपेयी निवासी मोहल्ला शहदवाड़ा सांडी हरदोई का निवासी हूँ। हमारी दुकान पर जो है मैं खाना लेकर के आया था दुकान पे बच्चे के लिए, तो वहाँ पे अनिल आए। अनिल आने के बाद दुकान आने लगे तो हमको गालियाँ देते हो, कहने तुम यहाँ गुंडे करते हो, तुमने हमको वोट नहीं दिया और तुम बड़े भारी गुंडा हो गए हो। इस तरीके से जो है अनिल का लड़का था पुनीत वाजपेयी थे। अब ये सभी लोग जो है हमको मारने लगे वहाँ पर, हम मार तोड़ के जो है गाली गलौज करते वहाँ से चले गए। हरदोई जिले में एक खौफनाक वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। यहाँ पर पति ने पत्नी को दूसरे शख्स की बाहों में देखकर उसके डंडे से पीट पीट कर जान ले लिया और उसके बाद शव को रात में ही ले जाकर नाव में रखकर उसे बीच गंगा में बहा दिया। घटना के बाद आरोपी पति फरार चल रहा था। पति को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उससे कड़ी पूछताछ की जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। झांसी के कचहरी चौराहा और सदर बाजार चौराहे के बीच उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब काली मां की प्रतिमा लेकर जा रहे भक्तों की टोली में डीजे बंद करा दिया गया। डीजे बंद कराने से सभी नाराज होकर हंगामा काटने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, डीजे के साथ प्रतिमा को स्थापित होने के लिए आगे बढ़ाया। वही संबंध में राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष आंचल अजरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शांति समिति की बैठक में स्पष्ट हो गया है कि देवी जी प्रतिमाएं स्थापित कराने को लेकर डीजे बजेगा। बहराइच के कोतवाली नानपारा क्षेत्र के इंतहा चौराहा पर दबंगों ने रंजिश के चलते एक दुकान में आग लगा दी। पीड़ित इंद्रेश कुमार तिवारी ने पुलिस में तहरीर दी जिसके बाद नामजद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इंद्रेश तिवारी की पान और कोल्ड ड्रिंक की दुकान को सोमवार रात 2 बजे विजय चंद और रोहित समेत अन्य ने आग लगा दी थी। आग से दुकान पूरी तरह जल गई जिससे हजारों का नुकसान हुआ है। कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जांच जारी है, जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बहराइच थाना क्षेत्र प्रयागपुर के पहाड़ीपुरवा गांव में एक 25 साल के युवक बनारसी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक शराब पीकर घर लौटा था, घर में रखा जहरीला पदार्थ खाने से उसकी हालत बिगड़ गई। घटना के बाद परिजनों ने उसे गंभीर अवस्था में बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शव को मॉर्चरी में रखवा दिया, पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौत के कारणों की पुष्टि के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एक बनारसी नाम का मरीज आया था, काफी गंभीर स्थिति में उसके परिजनों के द्वारा लाया गया था। परिजनों को पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन वो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग था। एक छोटा बच्चा था उसके साथ में, वो बता रहा था कि शायद चूहा मारने की दवा खाई है। काफी गंभीर स्थिति में लाया गया, इलाज त्वरित शुरू किया गया लेकिन बचा नहीं मिला। सर्व कानूनगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें मृतक की वरासत कराने के नाम पर रिश्वत लेते दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद उच्चाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कानूनगों को निलंबित कर दिया। 19 सेकंड के इस वीडियो में सफीपुर तहसील के पास कानूनगो कुछ कागज लेकर दुकान में जाते हैं, एक युवक को पैसे देते हुए दिख रहे हैं। इस घटना के बाद विभाग ने जांच शुरू करने के निर्देश दिए। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कानूनगो रिश्वत मांग रहे थे। बहराइच में लगातार जाम की समस्याओं से जूझ रहे शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए रूट डायवर्जन का नगर पुलिस कड़ाई से पालन करा रही है।
साथ ही साथ अतिक्रमण को भी हटवा रही है। नगर पुलिस जिसे शहरवासियों को बाजार में आने जाने के लिए ना करना पड़े अब दिक्कत का सामना और ना ही हो पाए कोई मरीजों को आने जाने में दिक्कत, इस तरह की पूरी तैयारी यहां कर ली है। बिजनौर में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। घटना थाना अफजलगढ़ के भिक्कावाला क्षेत्र की है। गुलदार के हमले के चलते जनपद में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पिंजरे में कैद किया। बरेली विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत पहली सोलर सुविधा युक्त बरेली इंडस्ट्रियल टाउनशिप को मंजूरी दे दी है। ये टाउनशिप झुमका चौराहे से प्रस्तावित बाईपास पर रहपुरा रागीर में बनाई जाएगी। इसमें आधुनिक पार्किंग, कामगारों के लिए डॉक्यूमेंट्री, अंडरग्राउंड बिजली केबल, फायर स्टेशन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, गैस पाइपलाइन, एसटीपी, ईटीपी जैसी सुविधाएं होंगी। सभी कॉमन क्षेत्रों में सोलर एनर्जी से प्रकाश व्यवस्था की जाएगी और ई चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। ये टाउनशिप झुमका चौराहे से रामपुर रोड पर 10 मिनट और गंगा एक्सप्रेसवे से 30 मिनट की दूरी पर होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम स्थापित है। यूपी को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। महात्मा गांधी के 155वें जन्मदिवस के मौके पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत 155 घंटे का नॉनस्टॉप सफाई अभियान चलाया जाएगा। कौशाम्बी के 2 नगर पालिका, 8 नगर पंचायतों में यह अभियान चल रहा है। नगर पंचायत दारानगर के अध्यक्ष रागिनी देवी ने कुबरी घाट पर सफाई की, जिसमें सीओ अवधेश विश्वकर्मा भी शामिल हुए। कुबरी घाट माँ शीतला का शक्तिपीठ है, जहाँ रोज श्रद्धालु आते हैं। करेंगे सर, देखिए माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश एवं शासन के दिशा निर्देश के अनुसार 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत जो भी हमारे पब्लिक स्थान हैं और जो भी घाट हैं, जो भी मंदिर हैं, उस स्थल को साफ सफाई के लिए लोगों की एक टीम बना करके साफ सफाई की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना कि आप अपने आसपास के क्षेत्र को, सार्वजनिक स्थल को स्वच्छ रखें, जिससे आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और ये जो उद्देश्य, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये हमारे राष्ट्रपिता के जो उद्देश्य थे कि पूरे भारत को स्वच्छ करने का, उसी के अनुसार ये चलाया जा रहा है। बागपत में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। हरियाणा चुनाव के मद्देनजर उन्हें जेल से रिहा किया गया। पुलिस ने उसे सुनेरा जेल से बरनावा आश्रम पहुंचाए। राम रहीम को पिछले 4 साल में 11वीं मिली पैरोल है। तो बागपत की तस्वीरें देख रहे हैं, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिल गई है। हरियाणा चुनाव के मद्देनजर ये पैरोल दी गई है। हापुड़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश घायल हो गए। मुठभेड़ थाना हापुड़ नगर की चेकिंग के दौरान हुई है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 2 तमंचे, 1 वेन्यू कार, 1-2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में घायल बदमाशों ने पिछले दिन मोहल्ला मजीदपुर में मारपीट और फायरिंग की घटना की पुष्टि की है। बदमाश कई मामले में वांछित थे और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा करने, आधा दर्जन से ज्यादा अभियोग दर्ज है। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह 6 बजे थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा रामपुर रोड पर गन्ने नाले के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद वेन्यू कार को रुकने का इशारा किया। सफ़ेद वेन्यू कार ना रुकते हुए बैरियर में टक्कर मारकर आगे रखी हुई ईंटों से जा भिड़ी, जिसके दौरान वो बंद हो गई। उसमें से बैठे हुए 3 लोग इधर उधर भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में 3 लोग घायल हुए हैं और तीनों के नाम नदीम पुत्र मिनी सेफ, सादिक पुत्र अब्दुल रहीम और बाजिद पुत्र मलुआ बताया गया है। और जब प्रारंभिक पूछताछ में पता लगा है कि इन लोगों ने आज दोपहर में मोहल्ला मजीदपुरा में गली नंबर 7 में फायरिंग करके दहशत फैलाई थी और इन लोगों से 1 पिस्टल, 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस और 3 फूका कारतूस बरामद हुए हैं। आगे की पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के हुमायूं नगर में इनाइजा सर्किल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गोदाम मालिक वाहिद और आग लगने में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी भी के हताहत होने की आशंका नहीं है। गोदाम से विदेशों में सप्लाई कुछ चीज़ें होती थी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ी ने आग पर काबू पाया।
पीलीभीत में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक पीलीभीत से बरखेड़ा क्षेत्र के गांव दौलतपुर लौट रहे थे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घायल युवक को सीएससी में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत की वजह से जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गाँव पोटा कला के पास अलियापुर गाँव का बताया जा रहा है। रायबरेली में आज 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट परिसर में झंडा फहराकर राष्ट्रपति को नमन किया। आप बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्प अर्पित करके नमन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस तरह से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को आजादी दिलाई, वो पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में एक मिसाल की तरह है। आज हम लोग गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के दिन पर यहाँ कलेक्ट्रेट प्रांगण में कलेक्ट्रेट के जो कार्यक्रम है उसके लिए एकत्रित हुए हैं। सभी लोगों को इस शुभ दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बरेली में जमीन अधिग्रहण घोटाले मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लेते हुए लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित करके सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसमें 2 पीसीएस अफसर मदन कुमार और आशीष कुमार निलंबित, पीसीएस अफसर के साथ ही बरेली सदर के लेखपाल उमाशंकर, नवाबगंज के लेखपाल सुरेश सक्सेना, अमीन डाबर सिंह पर भी निलंबन की गाज गिरी है। पीलीभीत में 1 अक्टूबर से हुई धान खरीद को लेकर पीलीभीत में भी अलग अलग मंडियों में कुल 148 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर डीएम ने मौके पर जाकर क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही किसानों के साथ पारदर्शिता के आधार पर धान खरीद करने के दिशा निर्देश डिप्टी आरएमओ को दिए हैं। देखिए, जनपद पीलीभीत में कुल 148 केंद्र हैं और जो हमारा टारगेट है वो 2,40,000 का है। आज 1 अक्टूबर को सभी हमारे केंद्र संचालित हो गए हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि जो भी हमारे रजिस्टर्स, नमी मापक यंत्र, जो हमारी एनालिसिस ट्रे, हमारी फ्लैक्सी बैनर बोरा और सभी हमारे, हमने ये सुनिश्चित किया है कि जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। कासगंज में अमावस्या पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से जनपद के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुरक्षा के लिए गोताखोर भी मौजूद थे। स्नान के बाद श्रद्धालु पूजा पाठ कर अपने पितरों को तर्पण दे रहे थे। सोरोहर की पौड़ी, लहरा घाट, कादरगंज, गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। देश पर मर मिटने वाले हमारे पितर, चाहे क्रांतिवीर हों या सरहदों पर बलिदान होने वाले सैनिक, ये सभी हमारे पूर्वज हैं, हम सब उनकी संतान हैं। कृतज्ञा गोरखपुर वासियों ने उन्हें तर्पण श्राद्ध द्वारा अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गोरखपुर वासियों ने पितृविसर्जन के अवसर पर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्रजेश राम त्रिपाठी ने अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा गुरुकृपा संस्थान के संयुक्त कार्यक्रम में कहा कि हमारे पूर्वजों का बलिदान हम सबकी पहचान है। उन्होंने इसे एक अनूठा आयोजन बताते हुए कहा कि लाखों युवाओं ने भारत को परिवार मानकर अपने जीवन का बलिदान दिया था। जैसे कि आज सर्व पितृ अमावस्या है, ज्ञात अज्ञात, मतलब जिनकी तिथि हमें ज्ञात हो, हमारे पूर्वजों की, पितरों की, उनके लिए और जिनकी नहीं भी है, अवसान का दिन होता है। और आज के बाद से पितृ अपने पितृ लोक को, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जलांजलि दी जाती है, पिंडदान दिया जाता है, जिससे पितृ की अक्षय तृप्ति होती है तो उस कुल की, उस वंश की प्रतिदिन उन्नति होती रहती है। और उसके लिए आज के दिन आने के बाद किसी सरोवर या तालाब के किनारे जाके जैसा यथाशक्ति तर्पण या पिंडदान करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं। पिंडदान के अंतर्गत ब्राह्मण भोजन, गौ, शान, काक आदि की बलि दी जाती है, भोजन करवाया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर पहुंचे, रामपुर तिराहा के शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। यह स्मारक 2 अक्टूबर 1994 को हुए रामपुर तिहार कांड के शहीदों की याद में है। इस अवसर पर यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। विजिलेंस की टीम ने थाना टांडा के गांव खुशहालपुर में बिजली चोरी की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की, लेकिन किसान यूनियन टिकैत ने विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप था कि विजिलेंस टीम ने छापेमारी के बाद 20,000 रुपए मांगने का
प्रयास किया। भारी हंगामे के बाद विजिलेंस टीम गांव से निकली और थाने पहुंची, जहां 13 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद किसान यूनियन ने थाने के अंदर 6 घंटे धरना दिया। पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बातचीत की और किसान नेताओं ने 1 महीने का अल्टीमेटम देकर धरना समाप्त किया। पुरखों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए एक पखवाड़े तक चलने वाला पितृपक्ष का समापन हो गया है। पितृपक्षीय समापन पर तीर्थराज प्रयाग के संगम पर हजारों श्रद्धालुओं ने पिंडदान में तर्पण किया, त्रिवेणी की धरा में डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पितृमुक्ति का प्रथम मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से प्रयाग में पिंडदान का विशेष महत्व है। पितरों के साथ कर्म की शुरुआत प्रयागराज के मुंडन संस्कार से ही शुरू होती है। मुंडन कर अपने बालों का दान करने के बाद 17 पिंडों को तैयार कर उनकी पूजा अर्चना की गई, जिससे पुरखों की आत्मा को शांति मिले। कौशाम्बी जिले के मुरतगंज में अनंती डीसीएम ट्रक नाई की दुकान में जा घुसा। नाई की दुकान में मौजूद आधे दर्जन लोग घायल हो गए। गदेड़ के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बीच चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। आज जनपद कौशाम्बी में थाना संदीपन घाट क्षेत्र में चंदवारी मोड़ के पास इलाहाबाद से एक डीसीएम तेज रफ्तार से आ रही थी, जिसके अनियंत्रित हो जाने से 3 लोगों के ऊपर गाड़ी पलट गई, जिसमें राजेश और भारत और अनोखों को काफ़ी चोटें आई। राजेश अनोखे और भारत को हॉस्पिटल भेजा गया, जिसमें हॉस्पिटल ले जाते समय राजेश की मृत्यु हो गई, बाकी 2 लोग घायलों का इलाज चल रहा है। इस संबंध में थाना संदीपन घाट में मुकदमा अपराध संख्या 266/24, धारा 281, 106, 125A और बी का पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate, the record breakers, the cheer makers.